फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बीजी डिजाइन स्टूडियो चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 22 फीट बाई 60 फीट प्लॉट साइज के बारे में। इसका जो एरिया रहेगा वो 1320 स्क्वायर फीट इसका एरिया रहेगा, 140 गज का ये प्लॉट रहेगा। दोस्तों, इसमें हमने जो डिजाइन किया वो दोस्तों हमने 2 BHK डिजाइन किया है, 2 बेडरूम के साथ किचन हॉल ड्राइंग रूम वगैरह सारी चीजें रहेंगी। इसकी जो फेसिंग रहेगी दोस्तों, साउथ फेसिंग रहेगी। अगर आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर रहेगा दोस्तों, 8895948408। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्लान की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा मेन रोड रहेगा, फ्रंट पर इसके मेन रोड रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, बाकी अदर साइड इसकी अदर प्रॉपर्टी रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्लान की तरफ। तो पहले हम स्टार्टिंग से चलेंगे दोस्तों। ये हमारा मेन गेट रहेगा। जैसे ही मेन गेट में हम एंटर करेंगे तो दोस्तों 9 फीट बाई 18 फीट 9 इंच का ये पार्किंग एरिया आएगा। यहीं से हमारा ये दोस्तों स्टेयरकेस गया हुआ है जीना, जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए रहेगा। अब दोस्तों, ये आगे हमने पैसेज छोड़ रखा है जो कि 4.5 फीट बाई 3.5 फीट का रहेगा, पैसेज रहेगा ये दोस्तों। ये दोस्तों हमारा टॉयलेट रहेगा जो कि 4 फीट बाई 5 फीट के करीब का ये टॉयलेट रहेगा, जिसमें हमारी ये WC और ये वॉश मशीन रहेगा। और दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। इसमें घर में जाने के लिए जो एंट्री रहेंगी तो वो दोस्तों 2 एंट्री रहेंगी। एक एंट्री हमारी यहाँ जीने के पास से होगी और एक एंट्री हमारी फ्रंट से होगी, इधर से पैसेज की तरफ से। तो दोस्तों, ये ड्राइंग रूम का जो साइज रहेगा वो 11 फीट 1 इंच बाई 12 फीट 4 इंच रहेगा, जिसमें ये हमारा सोफा डला हुआ है और TV लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ड्राइंग रूम को डिजाइन किया है। अब दोस्तों, चलते हैं हम लॉबी में। ये हमारा डाइनिंग है, फैमिली लॉन्ग रहेगा, जिसमें ये हमारा सोफा डला हुआ दोस्तों, ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है। इसका जो साइज रहेगा दोस्तों वो 13 फीट 10 इंच बाई 19 फीट 9 इंच रहेगा। 13 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 19 फीट 9 इंच इसकी लंबाई रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने लॉबी को डिजाइन किया है। अब दोस्तों, चलते हैं हम किचन एरिया में। किचन का जो साइज रहेगा दोस्तों 6 फीट 9 इंच बाई 11 फीट रहेगा, 6 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 11 फीट 9 इंच इसकी लंबाई रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन है दोस्तों, बाहर पार्किंग जीने की तरफ होगा। तो दोस्तों, ये गैस रखी हुई है और यहाँ हमारी सिंक आएगी, ये हमारा फ्रिज लगा हुआ है। और लॉबी में ही दोस्तों हमने ये पूजा दे रखी है। पूजा का जो साइज है दोस्तों वो 6 फीट 9 इंच बाई 4 फीट का रहेगा। ये इस तरीके से हमने यहाँ पूजा दे रखी है। अब दोस्तों, चलते हैं हम पीछे की तरफ। तो दोस्तों, बाहर जो हमने टॉयलेट दिया है वो ड्रॉइंग रूम गेस्ट के लिए रहेगा, जो बाहर हमने टॉयलेट दिया है। बाकी हमने पीछे 2 बेडरूम बना रखे हैं, दोनों बेडरूम के साथ दोनों के अटैच टॉयलेट हैं दोस्तों। और ये हमारा ओपन है वॉश एरिया रहेगा, जो कि दोनों टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए रहेगा, दोनों बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए रहेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम इस बेडरूम में। ये बेडरूम जो है दोस्तों 10 फिट बाई 13 फिट का रहेगा, जिसमें ये हमारा बेड डला हुआ है और ये वार्डरोब बनी हुई है, सामने TV लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने गेट दे रखा है, इसमें 2 गेट रहेंगे, एक ओपन में जाने के लिए, एक लॉबी में आने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारी विंडो लगी है जो कि डोर के साथ अटैच होगी। तो इस तरीके से इस बेडरूम का वेंटिलेशन होगा। और ये हमारा बेडरूम से ही ये टॉयलेट अटैच होगा, जो कि 4 फीट 9 इंच बाई 7 फीट का रहेगा। इसमें ये हमारा वॉश बेसिन, WC और ये हमारा शावर एरिया रहेगा। इस तरीके से हमने इस बेडरूम को डिजाइन कर रखा विद टॉयलेट के साथ। और दोस्तों, ये हमारा इसी तरीके से ये बेडरूम रहेगा, इसमें हमारा ये बेड डला हुआ है, सामने TV लगा हुआ है, ये वार्डरोब बनी हुई है। और इस बेडरूम के साथ ये वाला टॉयलेट रहेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी जो वॉश एरिया रहेगा दोस्तों, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पर ओपन वॉश में रखी जाएंगी। ओपन का जो साइज है दोस्तों 10 फिट 4 इंच बाई 7 फिट रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस प्लान को डिजाइन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।